नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम के एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथी कैसे हैं साथी? उम्मीद और आशा विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों स्कोर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं, आज जो हमारी कक्षा शुरुआत होने वाली है वो साथी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की कक्षा है। साथियों ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, यानी सभी ट्रेड को पढ़ना है। ये आपको साथियों सीबीटी टू के पेपर वन में तो आपको पढ़ना है, जो कि 40 मार्क्स का है और 40 क्वेश्चंस का है। पेपर टू में हमारे प्रणय है ट्रेड, है ना। ट्रेड ओनली क्वालिफाइंग है, लेकिन ट्रेड को हल्का में बिल्कुल ना ले, है ना। ट्रेड के बाद आपका मेरिट बनाने वाला सब्जेक्ट है जिसका नाम है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। यही नौकरी की नैया पार लगाएगा। यदि आप बात करेंगे सर बेसिक साइंस में हमें पढ़ना क्या क्या है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले यदि आप चर्चा करोगे तो बेसिक साइंस को टोटल यदि आप पढ़ने के लिए चाहोगे तो 70 से लेके 80 आवर्स लगेंगे आपको इसे पढ़ने में। अच्छे से यदि डिटेल्स बाय डिटेल्स सभी टॉपिक को पढ़ेंगे तो 70 से 80 घंटा लगेगा, है ना। इसमें हम आपको सुविधा देने वाले हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला काम रहेगा चैप्टर वाइज थ्योरी, उसके बाद जितने भी PYQ जो आपके टाइप वाइज कराएंगे। साथियों जो भी टाइप के पूछे जाते हैं वो सभी PYQ आपको कराएंगे। साथियों इसमें हम सबसे पहले यदि चर्चा करने आए तो हमारे पास टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें पढ़ना है प्रोजेक्शन, पढ़ना है व्यू, पढ़ना है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो जब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आया एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में इंपॉर्टेंट है स्केल, स्केल से न्यूमेरिकल भी आते हैं। साथियों आपको पढ़ना है पेंसिल के बारे में, कितने कैटेगरी के पेंसिल होती हैं, पेंसिल का निर्माण कैसे किया गया, किस पेंसिल का किस लाइन में इस्तेमाल है। साथियों उसके बाद आपको पढ़ना है टेप के बारे में, उसके बाद भी जिसे स्केल जहां ड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉइंग शीट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ड्रॉइंग शीट कहलाता है। ड्रॉइंग शीट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे ड्रॉइंग टेबल के बारे में, क्योंकि आम टेबल से बिल्कुल अलग होता है ड्रॉइंग टेबल। आप देखेंगे इंक्लाइंड सरफेस होता है। आप यदि पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग या ITI में ड्रॉइंग हॉल देखे होंगे, ड्रॉइंग रूम में ऐसा टाइप का एक टेबल लगा होगा, थोड़ा ऊंचा टाइप का, एक पर एक ही लोग काम करेंगे, वो हमारा ड्रॉइंग टेबल था। ये सब बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसमें कौन सा इस टाइप का लाइन का इस्तेमाल कैसा है ये भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में जानेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इतने आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में है। साथियों इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, 2 से 4 सवाल की संभावना रहती है साथियों हर एक सेट में। क्लियर हमारी बातें? उसके बाद आओ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये मदर टॉपिक है। कहोगे सर कैसे? इस टॉपिक का इस्तेमाल हर एक चैप्टर में होने वाला है। कोई भी चैप्टर पर हो साइंस का बिना यूनिट मेजरमेंट के नहीं होंगे, क्योंकि सब में आपको यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला और आपका मेजरमेंट सिस्टम के बारे में पूछता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद हमारा मास, वेट और डेंसिटी है, वर्क, पावर, एनर्जी, ये भी बहुत मेजर रोल, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड, वेलोसिटी हमें पढ़ना है, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हीट टेम्परेचर, ये तीन टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, हीट टेम्परेचर, वर्क पावर एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा न्यूमेरिकल इसी तीन टॉपिक से हमें मिलते हैं। उसके बाद है लीबर और सिंपल मशीन, है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एडुकेशन और IT यानी कंप्यूटर के बारे में। साथियों ये जो 4 टॉपिक आप देख रहे हो ये TS का टॉपिक है, टेक्निकल साइंस है। इतना जो आप टॉपिक देख रहे हो यहां तक वो आपका BS का है, यानी बेसिक साइंस का टॉपिक है, ये टेक्निकल साइंस है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये ED का टॉपिक है।
ये तीन टॉपिक आपको पढ़ना है। टोटल 70 से 80 आवर्स लगेंगे इसको पढ़ने में। पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलेंगे, थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए आज जो कक्षा हम कराने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उस सवाल को उसी कक्षा में करा दिया जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, डेली क्लास आप अटेंड करेंगे, उम्मीद और आशा विश्वास है, और 40 में 40 लाने की आप क्षमता रखते हो। लाइफ में यदि बदलाव लाना है तो एक बार जिंदगी में समाज से दुनिया से बाहर निकलो और अपने आप को अंतरिक्ष में ले जाओ कि भैया हमें सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगी। इस बात को ख्याल रखेंगे। आप सभी साथियों को दिल से शुक्रिया। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की क्लास आप सभी ट्रेड वाले अटेंड करेंगे, आप सबके लिए बेनिफिट है। सीबीटी 1 में भी ये जो आप बेसिक साइंस देख रहे हो ये सीबीटी 1 में भी आपको काम देगा साथियों। क्लियर है हमारी बात। और ये सभी जो टोटल टॉपिक है सीबीटी 2 में साथियों काम देंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है साथियों, डेली क्लास को आइए, एंजॉय कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद साथी, थैंक यू सो मच।